एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत दिन बाद फाइनली अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, और आज है फिलहाल इंडिपेंडेंट डे और 15 अगस्त है। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं आज का हम लोग दिन। तो अभी फ़िलहाल अभी हमारी बन रही है भारत माता, आज बना रही हूँ मैं इसको। और स्कूल नहीं भेजा क्योंकि स्कूल में नॉर्मली कुछ पैसा नहीं था, बस थोड़ा सा झंडा गान वगैरह था, तो मैंने भेजा नहीं। बट सोसाइटी में हम लोग ये कर रहे हैं छोटा सा प्रोग्राम अपने, तो बस उसी की थोड़ी सी तैयारियां करके आई हूँ अभी। और लवी को मैंने अपने रेडी कर दिया है, मैं जस्ट अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको भारत माता बिल्कुल रेडी किया है। लवी देखो, कम लवी, कम लवी। सो देखो, देख सकते हैं आप लोग, लवी हमारी बन चुकी है भारत माता। और मेरे को जितना मेरे को लगा कि तैयार होना चाहिए उसके हिसाब से मैंने लवी को बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है। और लवी दिखाओ, तो लवी हमारी बन चुकी है भारत माता। और बस उसके बाद अभी सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा हूँ नाश्ता कर लें क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगे वहाँ पे नीचे। तो अभी उसके बाद जस्ट मैं भी तैयार हूँ, मैं भी पहनने वाली हूँ। मैं एक वाइट सूट लाई हूँ अपने लिए, तो ये वाइट सूट डाल रही हूँ, और ऑरेंज चुन्नी, और फाइनली ये प्लाजो डाल रखा है मैंने ग्रीन कलर का। और मैं लाई हूँ कुछ बैंगल्स अपने, जो तीन कलर में आप देख सकते हैं ये। तो फिलहाल इस टाइम तो घर बिल्कुल फैला हुआ है, पर सोच रही हूँ कि पूरी तैयारी करूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो है 14 अगस्त को, और कल टेंट वाला आएगा। थोड़ी सी डेकोरेट हम लोग अभी से कर रहे हैं कल के लिए, कि कल आराम से हो जाए क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम है। सो फाइनली मैंने अपनी ड्रेस चूज कर ली है, और आप देख सकते हैं हो चुकी हूँ मैं रेडी। और मैंने ग्रीन प्लाजो और वाइट कुर्ती, और उसमें ऑरेंज रुपट्टा डाला हुआ है, जो मैं कल लेके आई अपनी ड्रेस। और देख सकते हैं बच्चे अपनी अलग अलग पोशाक में रेडी हो चुके हैं। छोटा सा कार्यक्रम हम कराने वाले हैं आज यहाँ पे, और अपने पार्षद हैं जो यहाँ के हमारे बीजेपी से जीते हुए, वो भी अभी आने वाले हैं कुछ देर में तिरंगा लहराने के लिए। और बस अभी बहुत मज़ा करने वाले हैं हम लोग, तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो बस अब यहाँ पे हम बच्चों को लाइन से खड़ा कर रहे हैं, और अभी हम थोड़ा फेरी लगाएंगे अपने फ्लैट के सामने सामने ही, थोड़ा सा रोड तक जाएंगे फेरी लगाने के लिए। और लवी भी देख सकते हैं भारत माता बनी हुई है, और बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग बने हुए हैं, कोई रानी लक्ष्मीबाई बना हुआ है, तो कोई भीमराव अम्बेडकर शास्त्री, तो बस बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने साथ में रेडी हो चुके हैं। और पारस हमारा भी आगे आगे ही खड़े होकर शोर कर रहा है, और उसको मैंने कुछ बनाया नहीं है, बट इंजॉय पूरा कर रहा है वो। तो हम लोग जा रहे हैं फेरी के लिए, और लाइन हम लोगों ने एक्चुअली बच्चों की लगाई कि मतलब कोई बच्चा भी इधर उधर ना जाए और लाइन से रहे। पारस हमारा पीछे था तो छोटा पड़ रहा था, और लवी जो भारत माता बनी है वो बड़ी पड़ रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने पारस को अपने आगे कर दिया है। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे सारे बच्चे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे अपने लुक में। और सभी लोग यहाँ पर जो फ्री बैठे हुए थे, और तो सभी लोग यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे आके। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ध्वज गान होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, छोटा मोटा हम लोगों ने फंक्शन भी कर रखा है। तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं और बच्चों की फेरी लगवाते हैं सबसे पहले, फिर आगे आगे प्रोग्राम को हम अपने बढ़ाएंगे। जय जय जय।
सो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं और फेरी लगवाने के लिए, और बस बाहर रोड तक ही जाएंगे थोड़ी दूर तक, और उसके बाद जो यहाँ से जो कोई निकल भी रहा था रास्ते में वो भी हमारे साथ भारत माता के मतलब जय बोल रहा था वो, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। तो फाइनली बच्चे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे पार्षद जी जो थे यहाँ से, तो वो भी आ गए हैं, तो अभी फ़िलहाल उनका स्वागत हो रहा है। उसके बाद वो मतलब ध्वज को खींचेंगे और यहाँ पे होगा झंडा गान। सो हम लोगों ने अब अपना प्रोग्राम चालू करवा दिया है, और छोटे छोटे बच्चे थे अलग अलग ड्रेस में, इतने सुंदर लग रहे थे, और सब लोग बारी बारी से अपनी मतलब प्रोग्राम कर रहे थे, और उनके लिए हम लोगों ने सरप्राइज़ भी रखा था कि जिससे वो एक्साइटेड हो और बहुत अच्छा काम मतलब प्रोग्राम करें अपना। तो बस अभी थोड़ा सा बच्चे लोग डांस किया और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, और उसके बाद बच्चों के लिए गिफ्ट्स एक्चुअली हम लोगों ने सबके लिए मंगवाए थे, क्योंकि बच्चे सारे खुश होते हैं देख के, और अगर ना मिले तब भी दुखी होते हैं कि सबको मिला और हमें नहीं मिला, तो इसलिए सबके लिए मंगाया था हम लोगों ने। बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में थे उनके लिए अलग ट्रॉफियां थी। तो बस प्रोग्राम हो चुके हैं ख़त्म। तो बच्चों को गिफ्ट्स मिल गए हैं और सब लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, क्योंकि खाने की व्यवस्था करा रखी थी हम लोगों ने बच्चों के। उसके बाद हमने सोचा हम लोग भी डांस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5:30 और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं सो गई थी क्योंकि नीचे प्रोग्राम था, उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस सो गई थी मैं। और इस टाइम अब मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि पिज्ज़ा मंगा लेती हूँ अभी, और काफ़ी टाइम बाद ऑर्डर किया है मैंने, तो मतलब अभी लेने गई है क्योंकि मैंने उनको कॉल कर दिया था तो वो रेडी कर दिए हैं, नीचे ही है शॉप, तो बस लवी जस्ट अभी लाई रही होगी। तो लवी हमारी आ चुकी है, क्या लेके आ गए? लिया है हैं, हैप्पी हो अब हैं? बहुत हैप्पी हो? कौन सा लाई हो, कौन सा फ्लेवर है? पता नहीं, खोल के देखना पड़ेगा। कौन कौन? अच्छा, कौन वाले फेवरेट है लवी के? हाँ, लवी दूसरा, सेकंड सेम मंगाया है लवी मैंने, अनियन का मम्मा। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कैसे खा रहे हैं बैठ के पिज्जा हम लोगों ने। एक्चुअली दोपहर में फ्री हो गए थे और वहीं पे हम लोगों ने खाया पिया था और उस टाइम पेट भरा हुआ था, बट उसके बाद हम लोग सो गए। मैं पारस सोए, लवी तो नहीं सोई, पर अब उसके बाद लगी थी बहुत तेज़ से भूख, तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऑर्डर कर देते हैं, और बस जैसे ही पिज्ज़ा मंगाया और बस हम लोग उस पर टूट पड़े हैं और बैठे हैं इस टाइम पे, टीवी चला के खा रही हूँ। तो आज का दिन बहुत इन्जॉय किया, 15 अगस्त था, बहुत ज़्यादा मज़ा की आया। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो,
तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।